लेकिन वेहला मेरी किस्मत जिदे हाथ विच मुस्लिम बुखारी है ओदे कोल ते दौलत सारी है ओ तेरी कनज कदूरी नू की समझे तेरी शराब काया नू की जाने ओ जिदे हाथ विच कुरान मजीद होवे ते ओदी किस्मत दी हते हदीस दी वी तईद होवे समसाम मैदान दा मालिक ओ तेरे मुशरक शरीरां नू की जाने मैं अपनी किस्मत दे नाल क्यों ना करा जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलातु वसलाम नू दाइयां लैण जिहड़ियां छड्ड के गईयां रहमतुल लिल आलमीन कादी सुलेमान अगली गल भी सुन लो मिर्जे ने जो 1891 च पहलियां दो किताबां लिखियां सन ना अज़ाला ए ओहाम ते दूसरी नाल फतह इस्लाम ये दो किताबां मिर्जे दियां पहलियां ने जिहड़ियां 1891 च उहने लिखियां ये अंदर उन्हें दावा किया ही मैं ईसा बन गया मिर्जे ने ये जो छपियां ते मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह नू पता लगा जाके उन्हें वेखियां उन्हें कहा मिर्जिया तू दावा किया जी किया उदो फिर 200 उलामा दे सैन करवाए मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी मिर्जा जैनियन काफर है लेकिन इहदियां किताबां दा जवाब तेरे वडेरे भी है सन मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी मौजूद सी लेकिन इहदियां किताबां दा जवाब देण वाला अहले हदीस दा सरे ख्याल मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी इक्को ही किताब लिखी तईद इस्लाम और 1898 दे अंदर मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने सियालकोट जो ना के उस किताब च लिखिया मिर्ज़िया तू कहिंदा मैं ईसा बन के आया लेकिन जेड़ा ईसा आएगा उन्हें दमिश्क दे मीनारे ते आना है उन्हें वफात अरब च पानी है जनाजा मस्जिद नबवी च होना कबर नबी पाक दे रोजे च होनी है तू आना मैं ईसा बन के आया काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की पिशीन कोई नोट कर ले ना तू मक्का वेख सकेगा ना मदीना वेख सकेगा तेरा मरना तो दूर की गल है दफन होना तो दूर की गल है 10 साल जिंदा रहा मिर्जा 1908 च मरिया 1898 दो किताबों का जवाब लिखे किन्ने साल जिंदा रहा 10 साल 10 साल मिर्जा ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया जा साडा मुकाबला करने कादियां दे अंदर कादियां दे मिर्ज़ियां ने बात कही के मौलवी सनाउल्लाह अमर सरी आन के कादियां दे अंदर रहमतुल्लाह अलैह कहे हलफ दे के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मेरे ना मरे है मुबाले की शक्ल दे अंदर ते ही सारे मर्ज़ई ए हलफ देन तो बाद मौलवी सनाउल्लाह अमर सरी 1 साल जिंदा रह जाए असी सारे मर्ज़ई मुसलमान हो जाए उत्थे फिर कौन गया मौलाना सनाउल्लाह अमर सरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत ना हो उलामा इकराम मौलाना पहुंचे कादियां च कुरान सिर ते रखिया आ कादियां दे मर्ज़ियो मिर्ज़ा मिरना मुबाले दी शक्ल च मरिया ते तुसा क्या 1 साल जिंदा रहे मैं 5 साल जिंदा रहांगा 5 साल मुनु 5 साल कुछ नहीं होएगा तुहा साल क्या नाल दे कहन लगे जी उन्हां साल क्या तुही 5 साल कह छड़िया ते मौलाना फरमान लगे नबी दी खत्मे नबूवत ते यकीन ही है मैं अज 50 साल दा भी ऐलान करदा मुनु 50 साल भी कुछ नहीं सी होणा 50 साल भी कुछ नहीं जो मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने मुनाजरा होया कंजर दा 11 दिन तक मुनाजरा चलिया 11 दिन तक 11वें दिन मिर्जा के लाके नसिया ते मौलाना फरमान लगे मैं तेरा चैलेंज कबूल किया तू मेरा भी करना साडे एक मौली साहब ने उन्होंने मुबाला कर मुबाला करन तो बाद तू 10 दिन जिंदा रह जाए असी मसला कल दी छड़ देंगे हुण मौली साहब केड़े सन मौलाना मुहीउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मईनुद्दीन लखवी दे दादा जान इन्हें नेक सन उन्होंने पता लगा मुहम्मद हुसैन बटालवी ने 10 दिन का टाइम दिता है उन्हें कहा मुहम्मद हुसैन तू 10 दिन का एडा लंबा टाइम इस कंजर नू 3 दिन का टाइम दे इन्हें दूजे दिन ही फुड़क जाना है फिर मौली सरा मौलाना मुहीउद्दीन के बारे च मिर्जे ने की किया इहदे घर औलाद नहीं होनी इन्हें मेरी तुहीन की थी उन्हें कहा तेनू किवें पता है मेरे को एक फरिश्ता वही लै गया उहदा नाम है टीची टीची
फरिश्ता आया उन्हें कहा मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी दा घर औलाद नहीं होगी। अल्लाह ने दसवें महीने बेटा दिता जिदा नाम सी मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे बाप। अगली गल सुनो वहाबिया खुश हो जाओ। मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी नु मौत मस्जिद नबवी के अंदर रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्नत के अंदर सजदे दी हालत आई कब्र जड़ी है जन्नतुल बकीज बनी। जाओ बकवास कर दियो अजे ते अगले दिन की गल है मेरा अलामा एहसान बंब का धमाका लाहौर च होया है वफात रियाज़ अस्पताल च होई है कबर मस्जिद नबवी च जन्नतुल बकीज बनी और बनी भी उथे वे अल्लाह हजरत उस्मान के कदमा वही पे पहुंची खाक जहां का खमीर था तेरे वडेरे मर जान भावे त्रेरी यार जम के थोड़िया फोटो लगिया ने एयरपोर्ट से अजे लगे नहीं होंगे थाणिया च इश्तहारियां दी बस्ता बस्ता बेवया इहदा मुजरम है इश्तहारियां दी तस्वीरां लगिया ने यह भी मुजरम ने इश्तहारी तेरे दाखले जिंदा दे बंद ने मेरा अलामा एहसान मर के जन्नतुल बकीज गया और जिन्हों फिर हरमैन दे इमामा ने आप कबर चलाया आप और जो कबर कड़ी मलूम जगह स्पेशल हजरत अलामा साहब वास्ते रखी सी रब 35 हिजरी तो लग के 35 हिजरी हजरत उस्मान की कबर बनी है उस तो बाद उस जगह ते कोई बंदा दफन नहीं होया। 10,000 सहाबी जन्नतुल बकीज दफन है। मेरे भाइयों मसलक आले हदीस इस तरह रोशन है जिस तरह सूरज सुबह चढ़ता है ना तो चढ़न च कोई फर्क मसलक आले हदीस की हकानियत के अंदर भी कोई फर्क नहीं। बात लंबी हो गई है। हजरत आका अली सलाम नु लैन वास्ते आई ना हलीमा काजी साहब लिखते ने जिदे बाप का नाम अब्दुल्ला मां का नाम आमना दाइया का नाम हलीमा है जिन्हें अबू दी अद्दे खून विचो वजूद पाया होए अमन वाली गोच जन्म लिया होए हिलम वाला दुध पीता होए ओनू मुहम्मद ही किया जा सकता और कुछ नहीं किया जा सकता। हलीमा लैके लैन वास्ते आई ते असरम वेखिया ना कहंदी बड़िया बड़िया बच्चिया नू दुध पिलाया पर एडा सोना मेरी अख ने नहीं वेखिया। तू स्पीकर खोल के लगा रही ना मैं लभ के ले आवां कित्थों वो बोलदे नहीं बोलो तो सही की होया जी तेरे नाल दा मैं लभना कित्थों ही रब ने कायनात इवें दा बनाया है वो बोलदे नहीं लभना कित्थों ही को वखा ते सही हसन ने ते उदे ही कम काजे वाह सना मिन कलम तरकत तो आई नहीं वाजमल मिन कलम तली दिन निसाउ खुलिकत मुबर्रह मिन कुल ऐब कानक कद खुलिकत कमा तशाउ हसन ने ते उदे ही कम काशरे है फरमाया मेरी आंख ने इतना हुसैन नहीं देखिया मैं इत पता कहना हूं वा अहसन मिन कलम तरकत तो ऐनुन कायनात दी किसे आंख ने भी एडा सोना नहीं देखिया।